रहीम, माई नेम इज़ नवीद नवाज एंड टुडे माई टॉपिक इज़ अबाउट सिक्स क्लास लेसन नंबर 3 चित्राल वैली, चित्राल की वादी। तो बेटा इस लेसन के हम पैराग्राफ 5 तक पहुँचे थे और पैराग्राफ 5 मैंने हाफ कराया था। तो वो पैराग्राफ 5 में जो फर्स्ट हाफ है वो रिपीट कर देता हूँ और नेक्स्ट आगे भी पढ़ते हैं बेटा। तो तवज्जो से समझिए, सुनिए। द कैलाश वुमेन आर एक्सपर्ट इन स्पिनिंग एंड वीविंग। कैलाश औरतें, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, कैलाश की औरतें नहीं कहना बेटा आपने, क्योंकि चित्राल की वादी में रहने वाले लोगों को कैलाश कहा जाता है। चित्राल की वादी में रहने वाले लोगों को कैलाश कहा जाता है। तो जब कैलाश की कहेंगे तो इसका मतलब कैलाश किसी इलाके का नाम है नहीं, जबकि वो लोगों को कहा जाता है। तो इस हवाले से ये पॉइंट जहन में रखिए कि का की के वगैरह को यूज़ नहीं करना, ठीक है ना। कैलाश लोगों, कैलाश औरतें, कैलाश कैलाश जिसके साथ यूज़ होगा कैलाश ही कहना है, का की के वगैरह नो। द कैलाश वुमेन, कैलाश औरतें आर एक्सपर्ट इन स्पिनिंग एंड वीविंग। सूत कातने और कपड़ा बुनने में माहिर हैं। स्पिन सूत कातना बेटा, मैंने आपको बताया था कि पुराने ज़माने में चरखे होते थे, तो चरखों के ऊपर जो औरतें धागा लपेटती थीं, ठीक है ना, और वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता था, ठीक है ना, वो जो उसके बल वगैरह होते थे धागे के, मुड़ा तुड़ा सारा वो सब ठीक हो जाता था, सही हो जाता था, सीधा हो जाता था, तो उसे सूत कातना कहा जाता है। तो सूत कातने एंड वीविंग और कपड़ा बुनने, ठीक है ना बेटा। वहाँ कदीम तहजीब है वादी चित्राल में कैलाश लोगों की, तो इस हवाले से ठीक है ना, कुछ कपड़ा बुनने में ठीक है ना औरतें माहिर हैं, सिलाई कढ़ाई के हवाले से माहिर हैं, तो उस हवाले से बात हो रही है। कैलाश औरतें सूत कातने और कपड़ा बुनने में माहिर हैं, ठीक है ना बेटा। एक्सपर्ट का मीनिंग मैंने आपको बताया, माहिर। स्पिन सूत कातना, वीव कपड़ा बुनना। तो कैलाश औरतें सूत कातने और कपड़ा बुनने में माहिर हैं। दे वेयर अ स्पेशल ड्रेस, वेयर का मतलब पहनना, स्पेशल ड्रेस ख़ास लिबास, ठीक है ना, ख़ास लिबास बेटा, वो एक ख़ास लिबास पहनती हैं, वो एक ख़ास लिबास पहनती हैं। दे वेयर अ लार्ज हेड ड्रेस डेकोरेटेड विद डिफरेंट बटन्स, शेल्स एंड बीड्स। वो मुख्तलिफ, डिफरेंट का मीनिंग बेटा मुख्तलिफ, वो मुख्तलिफ बटनों, शेल्स घोंगों एंड बीड्स और मोतियों से सजी हुई, ठीक है ना बेटा। डेकोरेटेड का मतलब सजी हुई, वो मुख्तलिफ बटनों घोंगों और मोतियों से सजी हुई। अ लार्ज हेड ड्रेस, एक लंबी टोपी, ठीक है ना बेटा। तो बुक के ऊपर एक जो है ना पिक बनी हुई है जिसमें एक कैलाश औरत ने टोपी पहनी हुई है, लंबी सी टोपी है, ठीक है ना, माथे के ऊपर ठीक है ना पट्टी टाइप, तो वो उनका हेड ड्रेस है, वो उनका हेड ड्रेस है, उसे हम ज़रूर टोपी ही कहेंगे। वेयर पहनती हैं। दे वेयर अ लार्ज हेड ड्रेस डेकोरेटेड विद डिफरेंट बटन शेल्स एंड बीड्स। वो मुख्तलिफ रंगों, वो मुख्तलिफ बटनों घोंगों और मोतियों से सजी हुई एक लंबी टोपी पहनती हैं। दे वेयर स्ट्रिंग्स ऑफ बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स राउंड देयर नेक्स। वेयर का मतलब ठीक है ना बेटा, आपको बताया था पहनना, और इधर लिखा हुआ है स्ट्रिंग्स ऑफ बीड्स, मोतियों की माला, ठीक है ना बेटा, एक हार सा बना के मोतियों का, वो औरतें बड़े शौक से अपने गले में पहनती हैं, अपनी गर्दन में ठीक है ना डालती हैं। तो स्ट्रिंग्स ऑफ बीड्स, मोतियों की माला बेटा यहाँ कहा जाएगा। डिफरेंट मुख्तलिफ, डिफरेंट मुख्तलिफ कलर, इसका मानी रंग है, ठीक है ना, कलर्स प्लूरल में है, रंगों। नेक गर्दन को कहा जाता है, ठीक है ना बेटा। दे वेयर स्ट्रिंग्स ऑफ बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स राउंड देयर नेक्स। वो अपनी गर्दन में मुख्तलिफ रंगों के मोतियों की माला पहनती हैं।
वो अपनी गर्दन में मुख्तलिफ रंगों के मोतियों की माला पहनती हैं। ये बेटा मीनिंग्स लिखे हुए हैं, मीनिंग्स पर फुल फोकस किया करें, ठीक है ना। मीनिंग्स जिस बच्चे को आती हैं वो आसानी से पैराग्राफ को ट्रांसलेट कर लेता है, तो इसलिए मीनिंग लिखी जाती हैं, बहुत तवज्जो से देखा करें, ठीक है ना, याद किया करें। दे वेयर अ लॉन्ग ब्लैक ड्रेस, वो एक लंबा काला लिबास पहनती हैं, ठीक है ना बेटा। दे आपको पता है एज प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं, और प्रोनाउन क्या होता है, एनी वर्ड विच वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन, कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, तो वो प्रोनाउन होता है, वो बेटा प्रोनाउन होता है, द वर्ड विच वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन। तो अब कैलाश वूमेन के लिए हर जगह दे यूज़ किया जा रहा है, तो इसे एज प्रोनाउन यूज़ किया जा रहा है, इस बात को आप जहन में रखिए। और ज़्यादातर इसमें जो टेंस यूज़ किया जा रहा है इस पैराग्राफ में बेटा, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज़ किया जा रहा है। मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में सब्जेक्ट के बाद, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ किया जाता है सिंपल सेंटेंसेस में, ठीक है ना, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, पॉजिटिव सेंटेंसेस, एक ही बात है सब। तो इसमें देखें आप, दे वेयर आया हुआ है, फिर ज़्यादा, ठीक है ना, दे वेयर, दे वेयर, फोर सेंटेंसेस में तो दे वेयर ही आया हुआ है। तो दे एज सब्जेक्ट यूज़ किया गया है, वेयर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ग्रामर पर फुल फोकस, मैंने कहा ना कि सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं होती, इसमें लॉट ऑफ ग्रामर, बहुत ज़्यादा ग्रामर भी होती है, उस पर भी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना बेटा, तवज्जो दिया करें, फुल अटेंटिव होकर सुना करें। दे वेयर अ लॉन्ग ब्लैक ड्रेस, वो एक लंबा काला लिबास पहनती हैं, लॉन्ग लंबा, ब्लैक ड्रेस काला लिबास, वो एक लंबा काला लिबास पहनती हैं। कैलाश मीन्स ब्लैक, कैलाश का मतलब है काला, कैलाश मीन्स ब्लैक, कैलाश का मतलब है काला, ठीक है ना। उनकी अपनी ज़बान में जो कैलाश का मतलब है वो ब्लैक कलर है, काला रंग। दे आर कॉल्ड कैलाश आफ्टर देयर ब्लैक ड्रेसेस, वो आफ्टर देयर ब्लैक ड्रेसेस की ट्रांसलेशन बेटा, वो अपने काले लिबास की वजह से, वैसे तो आफ्टर का मतलब के बाद होता है, लेकिन इधर की वजह से आएगा बेटा, वो अपने काले लिबास की वजह से कैलाश कहलाते हैं। ये पैसे वाइस में है, आर आया हुआ है और फिर थर्ड फॉर्म ऑफर, तो पैसे वाइस। दे आर कॉल्ड कैलाश आफ्टर देयर ब्लैक ड्रेसेस, वो अपने काले लिबास की वजह से कैलाश कहलाते हैं। फिर से ये पैराग्राफ देखिए, द कैलाश वुमेन आर एक्सपर्ट इन स्पिनिंग एंड वीविंग, कैलाश औरतें सूत कातने और कपड़ा बुनने में माहिर हैं। दे वेयर अ स्पेशल ड्रेस, वो एक ख़ास लिबास पहनती हैं। दे वेयर अ लार्ज हेड ड्रेस डेकोरेटेड विद डिफरेंट बटन्स, शेल्स एंड बीड्स, वो मुख्तलिफ बटनों, घोंघों और मोतियों से सजी हुई एक लंबी टोपी पहनती हैं। लार्ज एज एडजेक्टिव इधर यूज़ किया गया है बेटा, ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना, और पॉजिटिव डिग्री है। दे वेयर स्ट्रिंग्स ऑफ बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स राउंड देयर नेक्स, वो अपनी गर्दन में मुख्तलिफ रंगों के मोतियों की माला पहनती हैं। आपको मैंने इधर मीनिंग बताया बेटा, वेयर पहनना, स्ट्रिंग्स ऑफ बीड्स, मोतियों की माला, डिफरेंट मुख्तलिफ कलर्स, रंगों, नेक, गर्दन, ठीक है ना, ये जहन में रखें। दे वेयर अ लॉन्ग ब्लैक ड्रेस, वो एक लंबा काला लिबास पहनती हैं। कैलाश मीन्स ब्लैक, कैलाश का मतलब है काला। दे आर कॉल्ड कैलाश आफ्टर देयर ब्लैक ड्रेसेस, वो अपने काले लिबास की वजह से कैलाश कहलाते हैं। द कैलाश आर फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड डांस, कैलाश मौसीकी और रक्स के शौकीन हैं। फॉन्ड ऑफ का मीनिंग बेटा मैंने आपको बताया शौकीन, ठीक है ना, फॉन्ड ऑफ का मीनिंग बेटा शौकीन। म्यूज़िक मौसीकी, डांस, रक्स, ठीक है ना, नाच, जब बंदा, ठीक है ना, डांस करता है मीन्स नाचता है, ठीक है ना, उसे उर्दू में रक्स कहना कहते हैं या फिर नाच। तो कैलाश मौसीकी और रक्स के शौकीन हैं। आपको एक बात मैंने बताई थी,
कि ये लोग मुस्लिम्स नहीं हैं, दे आर नॉन मुस्लिम्स, ये गैर मुस्लिम लोग हैं। तो इस हवाले से ज़ाहिर है फिर इनके जो शौक़ हैं वो मुसलमानों से अलग हैं, हटकर हैं, ठीक है ना, नॉन मुस्लिम्स हैं। इसलिए द कैलाश आर फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड डांस, कैलाश मौसीकी और रक्स के शौकीन हैं। दे परफॉर्म देयर स्पेशल डांसिस एट डिफरेंट फेस्टिवल्स, वो मुख्तलिफ त्यौहारों पर, डिफरेंट का मीनिंग बेटा मुख्तलिफ बताया हुआ है, ठीक है ना, फेस्टिवल्स त्यौहारों, फेस्टिवल्स त्यौहारों, ठीक है बेटा, परफॉर्म मुजाहिरा करना, परफॉर्म मुजाहिरा करना, वो मुख्तलिफ त्यौहारों पर अपने ख़ास रक्स का मुजाहिरा करती हैं। दे परफॉर्म, वो मुजाहिरा करती हैं देयर स्पेशल डांसेस अपने ख़ास रक्स का, एट डिफरेंट फेस्टिवल्स मुख्तलिफ त्यौहारों पर, एट एज प्रेपोजिशन यूज़ की गई है, एट को बेटा प्रेपोजिशन के तौर पर यूज़ किया गया है, और फॉन्ड ऑफ में जो ऑफ है ये भी बेटा प्रेपोजिशन है, ध्यान में रखिए। और दे परफॉर्म में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। द कैलाश आर फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड डांस, कैलाश मौसीकी और रक्स के शौकीन हैं। दे परफॉर्म देयर स्पेशल डांसेस एट डिफरेंट फेस्टिवल्स, वो मुख्तलिफ त्यौहारों पर अपने ख़ास रक्स का मुजाहिरा करते हैं। देयर परफॉर्मेंस इन दीज डांसेस, इस रक्स में उनकी कारकर्दगी, परफॉर्मेंस बेटा कारकर्दगी, परफॉर्म अभी आपने वर्क पढ़ा, ठीक है ना, तो मुजाहिरा करना उससे, ठीक है ना, फिर परफॉर्मेंस लफ्ज़ बना है और उसका मीनिंग कारकर्दगी। इन दीज डांसेस, इस रक्स में, देयर परफॉर्मेंस इन दीज डांसेस, इस रक्स में उनकी कारकर्दगी, देयर एज प्रोनाउन यूज़ किया गया है बेटा, टी एच ई आई आर, एंड देयर फ्रेंडली नेचर इंचेंट द विजिटर्स, और उनकी दोस्ताना फितरत, ठीक है ना, और उनकी दोस्ताना फितरत, ये फ्रेंडली एल वाई लास्ट में आया है, फ्रेंड के साथ जो हमने एल वाई का इजाफा किया, ये एडवर्ब बन गया है, ग्रामर इंशाल्लाह आगे जब पढ़ेंगे तो एडवर्ब को, ठीक है ना, मैं बहुत डिटेल से आपको समझाऊँगा, फिल वक्त जहन में रखिए कि ये एडवर्ब है। एंड देयर फ्रेंडली नेचर, और उनकी दोस्ताना फितरत, नेचर फितरत को कहा जाता है, इंचेंट द विजिटर्स, स्याहों पर जादू कर देती है। जब आप कहीं विज़िट करने जाते हैं, सैर करने के लिए जाते हैं, तो फिर आपको इंग्लिश में विज़िटर और उर्दू में स्याह कहा जाता है, तो मैंने तब भी आपको बताया था विज़िटर्स का मीनिंग स्याहों। देयर परफॉर्मेंस इन दीज डांसिस एंड देयर फ्रेंडली नेचर इंचेंट द विजिटर्स, इस रक्स में उनकी कारकर्दगी और उनकी दोस्ताना फितरत स्याहों पर जादू कर देती है। ये पैराग्राफ फिर से बेटा, द कैलाश आर फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड डांस, कैलाश मौसीकी और रक्स के शौकीन हैं। दे परफॉर्म देयर स्पेशल डांसेस एट डिफरेंट फेस्टिवल्स, वो मुख्तलिफ त्यौहारों पर अपने ख़ास रक्स का मुजाहरा करती हैं। देयर परफॉर्मेंस इन दीज डांसेस एंड देयर फ्रेंडली नेचर इंचेंट द विजिटर्स, इस रक्स में उनकी कारकर्दगी और उनकी दोस्ताना फितरत स्याहों पर जादू कर देती है। लास्ट पैराग्राफ, आई एम ऑल्सो सेंडिंग यू पिक्चर्स ऑफ कैलाश वैली एंड कैलाश पीपल, मैं आपको कैलाश वादी और कैलाश लोगों की तस्वीरें भी भेज रही हूँ। अब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, ठीक है ना बेटा, लेक्चर अपलोड हुआ था, समझाया था कि इज़ एम आर को एज हेल्पिंग वर्ब और आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब को एज मेन वर्ब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं। तो इसमें देखें आप, आई एम, ठीक है ना, सेंडिंग, हेल्पिंग वर्ब एम आया हुआ है और मेन वर्ब, ठीक है ना, आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब सेंडिंग है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, ज़हन में रखें। ऑल्सो का मीनिंग बेटा भी, सेंड का मतलब भेजना, ठीक है ना बेटा, सेंड का मतलब भेजना, पिक्चर्स तस्वीरें, पिक्चर्स तस्वीरें, मैं आपको कैलाश वादी और कैलाश लोगों की तस्वीरें भी भेज रही हूँ। यू वुड श्योरली लाइक दीज, आप यकीनन, श्योरली का मतलब है यकीनन, श्योरली यकीनन, लाइक पसंद करना, श्योरली यकीनन लाइक पसंद करना, आप यकीनन इनको पसंद करेंगी, आप यकीनन इनको पसंद करेंगी, श्योरली भी बेटा एडवर्ब है, एल वाई लास्ट में लगा है।
यू कैन शो दीज पिक्चर्स टू योर फ्रेंड्स, आप ये तस्वीरें, दीज पिक्चर्स, ये तस्वीरें अपनी दोस्तों को दिखा सकती हैं, क्योंकि डेयर निमरा, निमरा एक गर्ल का नेम है, तो ठीक है ना बेटा, सहेलियों की बात आएगी, दोस्तों की बात आएगी, सकती हैं, ठीक है ना। यू कैन शो दीज पिक्चर्स टू योर फ्रेंड्स, आप ये तस्वीरें अपनी दोस्तों को या अपनी सहेलियों को भी दिखा सकती हैं। शो जाहिर करना, दिखाना बेटा, यहाँ दिखानों के माने में ही आएगा। दो फ्रेंड्स, दोस्तों, सहेलियों, राइट, लिखना सून, जल्द ही, जो आगे मैं फिक्रा पढ़ूँगा, अबाउट के बारे में, के मुतालिक, इसके मीनिंग हैं। यू कैन शो दीज पिक्चर्स टू योर फ्रेंड्स, आप ये तस्वीरें अपनी दोस्तों को भी दिखा सकती हैं। राइट मी सून अबाउट योर समर वेकेशन, जल्द ही मुझे अपनी गर्मियों की छुट्टियों के बारे में लिखना। राइट, लिखना बेटा, ठीक है ना, अबाउट के बारे में, समर वेकेशन, मौसम गर्मा की तातीलात या गर्मियों की छुट्टियाँ। जल्द ही, सून का मीनिंग मैंने जल्द किया, जल्द ही मुझे अपनी गर्मियों की छुट्टियों के बारे में लिखना। योर फ्रेंड, आपकी दोस्त फातिमा। आई एम ऑल्सो सेंडिंग यू पिक्चर्स ऑफ कैलाश वैली एंड कैलाश पीपल, मैं आपको कैलाश वादी और कैलाश लोगों की तस्वीरें भी भेज रही हूँ। यू वुड श्योरली लाइक दीज, आप यकीनन इनको पसंद करेंगी। यू कैन शो दीज पिक्चर्स टू योर फ्रेंड्स, आप ये तस्वीरें अपनी दोस्तों को दिखा सकती हैं या अपनी सहेलियों को दिखा सकती हैं। राइट मी सून अबाउट योर समर वेकेशन, जल्द ही मुझे अपनी गर्मियों की छुट्टियों के बारे में लिखना। योर फ्रेंड फातिमा, आपकी दोस्त फातिमा या आपकी सहेली फातिमा। अब बेटा लेसन नंबर 3 की ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई है, तो काइंडली लाजमी आपने बहुत अच्छी तरह से टर्म के हवाले से इस लेसन को तैयार करना है, प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह आगे एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।